हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम पांडे। मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुटेनमेंट, जो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज ट्रिकी कॉन्सेप्ट ऑफ मसल्स अटैचमेंट ओरिजिन और इंसर्शन पर डिस्कस करूंगा। बहुत सारी बोन्स को देख करके, एक्चुअली में पढ़ना तो बोन्स से जाती से ज़्यादा याद हो जाती है, उसमें मसल्स को ओरिजिन इंसर्शन क्लियरली देखने पर यहाँ से ओरिजिन इंसर्शन है, लेकिन याद करने में थोड़ी मतलब याद रख पाना मुश्किल होता है। तो उससे मैंने एक ट्रिक कॉन्सेप्ट बनाया है ट्रिकी। तो उसमें मैं मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन तो मैं ट्रिक से बात करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन यू नो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन। क्लेविकल बोन की मसल्स का ओरिजिनल इंसर्शन देखो हम किस ट्रिक से याद करा रहे हैं आपको। ये केवल मसल्स को ओरिजिन इंसर्शन, बोन्स को आप उससे कंसल्ट कर लीजिएगा मसल्स को, क्योंकि मसल्स को याद करने का मैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दैट इज नॉट राइट, जबकि मसल्स को बोन से ही अटैच करके पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट याद करने के लिए ओरिजिनल इंसर्शन। मैं लिख क्या रहा हूं, तुझे दिल से प्यार मैं करता। ये ट्रिक है, तुझे दिल से प्यार मैं करता हूं। इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं इसे, दिल पे हमने यहां से ब्रेक कर दे, कहने मतलब दिल पे हमने तीर चला दिया। और जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल पहले आता है इसलिए हम पहले यहां लिखेंगे एल, उसके बाद एम आता है तो उसमें यहां लिखेंगे एल। का मतलब है लैटरल, एम का मतलब है मीडियल। तो ये सारी मसल जो दोनों हैं ये लैटरल से रिलेटेड है, ये मीडियल ऑफ क्लेविकल से रिलेटेड है, कॉन्सेप्चुअली याद रखिए। अब मैं मसल्स का नाम लिख रहा हूं। टी से जो मसल्स है उसका नाम है ट्रैपीजियस। डी से जो मसल्स है उसका नाम है डेल्टॉइड। एस से तीन मसल्स। जो एस है ये एस की, इससे तीन मसल्स हैं। पहली मसल्स है सब क्लेवियस, दूसरी है स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्रॉइड SCM, स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्रॉइड, और चौथी मसल है स्टर्नोहाइवाइड। याद रखना इस एस से तीन मसल्स हैं, सब क्लेवियस, स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्रॉइड एंड स्टर्नोहाइवाइड, तीन मसल्स हैं। और टी से है ट्रैपीजियस, डी से है डेल्टॉइड, और इस एस से तीन मसल्स हैं सब क्लेवियस, स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्रॉइड, स्टर्नोहाइवाइड, ठीक है। और याद रखना इस पी और एम को मैं एक में जोड़ दे रहा हूँ, इस पी और एम को, इसका मसल्स का नाम है पेक्टोरैलिस मेजर, याद रखना। और एक करता हूं को मैंने बस ऐसे रूब्रिक्स को बनाने के लिए कर लिया था, इसको बनाने के लिए मैं लिख लिया था, इसका कोई मसल्स नहीं है इससे। तो तुझे दिल से प्यार मैं करता हूं, टी से ट्रैपीजियस, डी से डेल्टॉइड, एस से तीन मसल, सब क्लेवियस, स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्रॉइड, स्टर्नोहाइवाइड, और पी और एम को मिला करके पेक्टोरैलिस मेजर। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे किसकी ओरिजिन हो रही है, किसकी इंसर्शन हो रही है? तो याद रखिए ये है टी, टी है, और टी को अगर हम ऐसे कर दें नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे आई बन जाता है, जिसका आई से मतलब होता है इंसर्शन। तो मतलब ये हुआ कि ट्रैपीजियस मसल्स का इंसर्शन होगा, और ये हो गया। और डी, डी है ऐसे, अगर हम इसको पूरा घुमा दें तो ओ टाइप का बन गया, तो इसको हो गया कि डेल्टॉइड की यहां से ओरिजिन होती है, क्लेविकल से ओरिजिन होती है। और
सब इस एस वाले में जो सब क्लेवियस मसल्स है, ये सब क्लेवियस, यही एक इस एस में इकलौती मसल है जिसका इंसर्शन होता है। और सारी मसल्स जितनी है, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लेरो, स्टर्नो हायवर्ड, इन सब का ओरिजिन होता है क्लेविकल बोन्स, ठीक है। तो केवल ट्रैपीजियस का इंसर्शन होता है और सब क्लेवियस का इंसर्शन होता है और सारी मसल्स जो और हैं उन सबका ओरिजिन होता है। ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेविकल था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कैपुला के ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ह्यूमरस के ट्रिकी कॉन्सेप्ट और जो मसल्स के ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों